हाय फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू माय चैनल द नोशन ट्री। माय सेल्फ जितेंद्र मिश्रा, ठीक है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल द नोशन ट्री में, ठीक है। आज हम आपको जो टॉपिक सिखाने वाले हैं दोस्तों, वो खासकर 11th स्टैंडर्ड के लिए है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th में यूज होगा, आपको लाइफ में भी यूज होता है, और ये चीज जो होता है हर क्लास में यूज होता है, बट यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मेथड भी सीख सकते हैं, ठीक है। सीख सकते हैं, हमें आपको सिखाना ही होगा, ठीक है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि डेप्रिसिएशन कहाँ से आया, कौन सा वर्ड से बनता है, और कैसे होता है डेप्रिसिएशन, उसके मेथड्स कितने हैं, और हम लोग बेसिकली 2 मेथड्स के ऊपर बारे में ज्यादा कैलकुलेशन भी करेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है डेप्रिसिएशन, उसका यूज कैसा होता है, उसका कॉजेस क्या होता है, क्यों डेप्रिसिएट होता है, ठीक है। ये सारी बातों की जो जानकारी है आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज पहले हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा रुक करके पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने उसको लाइक नहीं किया प्रीवियस वीडियो को, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को भी देखकर उसको लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपको नया वीडियो डालते हैं दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय न लेते हुए। डेप्रिसिएशन, राइट। तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैसे हुआ, ठीक है। क्या वर्ड सिखाने वाले हम लोग, डेप्रिसिएशन, राइट। अब ये डेप्रिसिएशन वर्ड जो है ये कहां से आया, कैसे आया, तो सबसे पहले जो वर्ड आया दोस्त, ये लैटिन वर्ड से है। किससे? वो लैटिन वर्ड से है। क्या वो लैटिन वर्ड है जिससे डेप्रिसिएशन वर्ड आया, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिटियम बोलते हैं, ठीक है। डेप्रिटियम ये लैटिन वर्ड है जिससे आया, और इसका मीनिंग क्या होता है, रिड्यूस या रिडक्शन। क्या मीनिंग होता है इसका? रिडक्शन। इसका मीनिंग क्या दोस्त? रिडक्शन, यानी जब किसी चीज की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिटियम बोलते हैं। किस लैंग्वेज में? लैटिन वर्ड में। और नॉर्मल स्पीक क्या होता है? डेप्रिसिएशन। अब ये होता है दोस्त कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है, ठीक है, कॉजेस क्या हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के। तो चलिए अगर हम इसका कॉजेस देखना चाहते हैं, तो इसके कॉजेस क्या होंगे हमारे डेप्रिसिएशन के, कॉजेस। सबसे बड़ी बात दोस्त देखिए, अब आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल पे लेके देंगे ताकि आपको अच्छे समझे। जैसे मान लीजिए कि जब हम मोबाइल आया मार्केट में हमारे, तो पहले क्या था, मोबाइल जो था हमारा क्या था, पहले बहुत छोटे छोटे मोबाइल होते थे, फिर उससे बड़े मोबाइल आने लगे, फिर उनका स्क्रीन चेंज हुआ, फिर उनके कैमरे आने लगे, तो ये सारी चीज क्या हो गई, तो जैसे जैसे नया इन्वेंशन होने लगा, तो इसको क्या बोले, पहला कॉजेज हो गया, न्यू इन्वेंशन जब आया, ठीक है, न्यू इन्वेंशन की वजह से, ठीक है, न्यू इन्वेंशन। जब नया चीज मार्केट में आता है दोस्तों, उसकी वजह से जो जूनी चीज होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, या फिर अगर आपको क्या हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाती है तो भी आपको क्या होगा, उसका डेप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है दोस्त इसका, जैसे मार्केट वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है, मार्केट का वैल्यू चेंज हो गया, तो आएगा आपको मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू अगर असोसिएट चेंज हो गया तो भी आपको क्या होगा, ये असोसिएट वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही दोस्त बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, असर इसको बार बार यूज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो वैल्यू यूज वैल्यू भी होती है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या होते हैं, वियर एंड टीयर की वजह से हो जाता है, वियर एंड टीयर, ठीक है। और वियर एंड टीयर में क्या होता है, नेचुरल कॉज हो जाते हैं इसके अंदर दोस्त, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल कॉज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा असेट्स भी डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो ऐसे दोस्त बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, तो जो पहले वाली असेट्स थी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या क्या हो गया, मार्केट में कोई नया इन्वेंट हो जाता है, या कोई नया चीज लेके आ जाते हैं, तो उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है, या फिर मार्केट में क्या होती है, उसको थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो गया, ठीक है। अगर क्या हो गया उसके अंदर, अपग्रेडेशन हो गया, अपग्रेड हो गया तो क्या होगा, अपग्रेड हो गया तो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, या टाइम बहुत हो गया, टाइम बहुत ज्यादा यूज हो गया, बहुत समय से आप यूज करो, ज्यादा टाइम पास आउट हो गया है उसको यूज करते करते, तो भी असेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा। तो कुल मिला के दीज आर द बेसिक कॉजेस व्हाई द असेट्स इज डेप्रिसिएटेड। अब ये कहते हैं दोस्त कि डेप्रिसिएशन आखिर असेट्स का कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आपको ये जानने की बात होगी कि कितने टाइप का असेट होता है दोस्त, क्या जानना आप लोगों, कितने टाइप का असेट्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास दोस्त ऐसे 2 टाइप के असेट्स हैं
जिनका डेप्रिसिएशन हो सकता है। ठीक है, तो असेट्स में कौन से हो गए दोस्त हमारे पास में, एक पहले तो यहाँ पे अगर हम बोले सबसे पहला असेट कौन, फिक्स है, फिक्स के ही दो पार्ट है, एक है कौन सा हमारा टेंजिबल, कौन सा है टेंजिबल, दूसरा कौन है इनटेंजिबल। अब ये दोनों टाइप के हमारे पास असेट्स होते हैं जिनको क्या होता है कि हम डेप्रिशिएट करते हैं। जो इनटेंजिबल असेट्स होता है इसका जैसे जैसे टाइम पास आउट होता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यूएशन क्या होती कम होती है, क्योंकि मार्केट में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो सारी चेंज होती है, तो इनकी वैल्यू भी कम होने लगती है। रही बात जो हमारे टेंजिबल असेट्स की, हम इसको जितना यूज करेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जाएगी उतना ही इनकी वैल्यूएशन क्या होती है कम होती चली जाती है। तो टेंजिबल असेट्स का जो वैल्यू जब रिड्यूस होता है तो उस रिड्यूस वैल्यू का ही नाम क्या बोला गया है डेप्रिसिएशन, क्या बोलते हैं उसको डेप्रिसिएशन। अब अगर इनटेंजिबल असेट्स की जो हम लोग वैल्यू बोलते हैं उसको जब रिड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, याद रखिए वर्ड एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन। ठीक है, उसकी वैल्यू का नाम क्या है जब वैल्यू रिड्यूस होती है एमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये आपको बहुत आगे चल के सीखने के लिए मिलेगा कि इंटेंजिबल असेट्स का जब वैल्यू और डिक्रीज होता है उसको हम लोग क्या होते हैं एमोर्टाइजेशन, और जब उसको लेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या होते हैं लेस रिटेन ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको लेस रिटेन ऑफ। ठीक है, रिटेन ऑफ मतलब आज उस असेट्स की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग कम कर दे रहे हैं, राइट ऑफ कर दे। तो आई थिंक आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी कि डेप्रिसिएशन वर्ड कहां से है, लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड कौन है डेप्रिटियम है, उसका मतलब क्या होता है रिडक्शन होता है, और किस चीज का डेप्रिसिएशन होता है दोस्त वो है फिक्स असेट का। फिक्स असेट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जब टेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे डेप्रिसिएशन, जब इनटेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एमोर्टाइजेशन। अब टेंजिबल असेट्स तो आपको पता है दोस्त, जैसे प्लांट हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है मशीनरी हो गया दोस्त, आपका क्या हो गया बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर कार हो गया, ये बहुत सारी चीज आती है। और जो इनटेंजिबल में जैसे कि अगर आपका गुडविल हो जाएगा दोस्त, ठीक है गुडविल हो गया, या आपका गुडविल में गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, कॉपीराइट्स होता है, ठीक है कॉपीराइट्स है, पैटर्न है आपका, ठीक है पैटर्न, डिजाइन हो गया, डिजाइन हो गया, ऐसे बहुत सारे इनटेंजिबल असेट्स है जिसको क्या होता है हमारा इनटेंजिबल से बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं जब रिड्यूस होती है इसके वैल्यू उसको क्या होते हैं एमोर्टाइजेशन। आई थिंक इतना लॉजिक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, और इन्हीं चीजों से दोस्त क्या होता है उसका डेफिनेशन बना देते हैं, जो डेफिनेशन राइटर है वो लोग लिख देते हैं भाई कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। कोई बोल देता है इट इज द यूज वैल्यू ऑफ असेट। अब देखिए बताते हैं कि इसको क्या क्या डेप्रिसिएशन वर्ड बोला जा सकता है। ठीक है, कि डेप्रिसिएशन को और कितने वर्ड में बोलते हैं, चलिए कितने शब्दों में बोलते हैं उसको, इसको डेप्रिसिएशन को ही क्या बोलते हैं इट इज रिड्यूस वैल्यू ऑफ असेट, क्या बोलते हैं इसको इट इज रिड्यूस वैल्यू ऑफ असेट, रिड्यूस वैल्यू ऑफ असेट, रिड्यूस वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्त इट इज यूज वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इट इज यूज वैल्यू ऑफ असेट्स, यूज वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको रिड्यूस हो गया, यूज वैल्यू इसको क्या होते हैं इट इज वियर एंड टीयर वैल्यू ऑफ असेट्स, इट इज वियर, वियर एंड टीयर वैल्यू ऑफ असेट्स, टीयर वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, तो इतनी चीज इनके लिए बोली जाती है कि इट इज यूज वैल्यू ऑफ असेट्स, इट इज रिड्यूस वैल्यू ऑफ असेट्स, इट इज वियर एंड टीयर वैल्यू ऑफ द असेट्स, इट इज ड्यू टू द इन्वेंशन, ठीक है इट इज ड्यू द टाइम पास ऑफ द असेट्स। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच यू हैव टू नो। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज आपको फिर से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ होता है दोस्त कि डेप्रिसिएशन से जो मेथड्स होते हैं वो आपको जानना जरूरी होता है कि आखिर डेप्रिसिएशन का मेथड क्या क्या हो सकता है। तो पहले एक बार देख ले क्या नाम है इसका, लैटिन वर्ड से आया, लैटिन वर्ड कौन सा डेप्रिटियम है, उसका मीनिंग क्या है रिडक्शन है। अब डेप्रिसिएशन किसका होता है फिक्स असेट का, फिक्स असेट कितने टाइप का दो हो गए,
टेंजिबल इनटेंजिबल, जो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस है उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे, जो इनटेंजिबल वैल्यू एसेट्स की वैल्यू कम होगी उसको क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको वर्ड लिखते हैं लेस रिटर्न ऑफ लिखते हैं। और ये क्या टेंजिबल में क्या होता है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड फर्नीचर, ठीक है, मोटर कार मोटर बाइक कंप्यूटर मोबाइल, ये सारी चीज आएगी। इसके अंदर क्या होगा आपका कॉपीराइट पैटर्न डिजाइन, ये सारी चीज होती है। तो इसी डेप्रिसिएशन को और क्या बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन इज व्हाट रिड्यूस वैल्यू ऑफ द एसेट्स, डेप्रिसिएशन इज यूज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इज वियर एंड टियर वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ठीक है, अब इसको एक और वर्ड लिया जाता है, तो जब आप आगे पढ़ोगे तो लोग कहेंगे क्या, इट इज नॉन कैश आइटम। क्या होते हैं, इट इज नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम, ठीक है, या नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है ये, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, मतलब ये आपको कैश में खर्चा नहीं होता दोस्त, ये आपने जो असेट्स खरीदा है उसको जब आप यूज करेंगे, जितना आप यूज कर लेंगे तो उसकी वैल्यूएशन क्या होती है, अपने आप घट जाती है। जैसे सोचिए, चलिए इसके बारे में अगर आपको सोचना हो कि आखिर ये चीज होता क्या है, मान लीजिए आपने एक मोबाइल कार खरीदा, मोबाइल खरीदा, अगर आपने मान लीजिए मोटर बाइक खरीदा, या मान लीजिए आपने ट्रैक्टर खरीदा ट्रक खरीदा, कुछ भी चीज आप खरीदते हो दोस्त, वो क्या होता है, आप आज आपने लिया, अगर मान लीजिए मैं एक ट्रक का एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए कोई ट्रक अगर आपने क्या कर दिया उसको दोस्त, कि 2 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, या 20 लाख रुपए में, चलो हमने खरीदा एक ट्रक खरीदा, ठीक है, अब 20 लाख में ट्रक खरीदा दोस्त, तो 3 साल बाद या 2 साल बाद क्या होती है, इसकी वैल्यू कम होती है। जस्ट 1 साल सोचे, इमेजिन 6 महीना भी आपने यूज किया, तो क्या ये नई ट्रक आप फिर से 20 लाख में बेच पाओगे, कतई नहीं, कोई नहीं लेगा इसको, क्यों नहीं लेगा, वो बोलेगा भाई तूने 6 महीना तो यूज किया है, तो 6 महीना यूज किया है तो इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, अगर 10% वैल्यूएशन रिड्यूस भी किया तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 की वैल्यू, सॉरी 18 लाख की वैल्यू दे देगा उसको, क्यों, क्योंकि 2 लाख वैल्यू उसकी कम हो गई। अब दोस्त अगर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपने मोबाइल खरीदा, आज आप मोबाइल खरीदते हो, ठीक है, 6 महीना 3 महीना यूज करते हो, जैसे नया मोबाइल आता है आपको लगता है यार हमें तो नया मोबाइल खरीदना चाहिए, ठीक है, तो जब आप नया मोबाइल खरीदने जाते हो तो दोस्त आप क्या करते हो, आप कहते हो भैया ये मोबाइल रिटर्न ले लीजिए, हमें नया मोबाइल दे दिए, तो क्या सोचिए उसको उसी मोबाइल को लेकर नया मोबाइल आपको दे देगा, कभी नहीं देगा, वो क्या बोलेगा, भाई तूने इसको 5 महीने यूज किए हैं, ये मोबाइल मैं आपका 17,000 में लेता हूँ, सोचिए कि 20,000 का मोबाइल आपका 17,000 रुपए में उसने ले लिया, ठीक है, और आपको 25,000 का मोबाइल वो नया देगा, ठीक है, तो जो 20,000 की चीज आपकी 17,000 में उन्होंने ली, इसका मतलब कितना है, 3,000 आपकी वैल्यू कम हो गई, तो जो 3,000 वैल्यू कम हो गई वही तो डेप्रिसिएशन था, ठीक है, अब जब 25,000 वाली चीज आप ले लोगे फिर आप उसको यूज करोगे, फिर आप कहोगे यार अब नया चीज आ गया है तो हम नया लेंगे, तो जब आप अगला मोबाइल ले जाओ तो उसको रिप्लेस कर, बोलेगा भाई मैं इसको तो आपको 15,000 दूंगा, तो जो 10,000 यूज हो गया आपका डेप्रिसिएशन हो गया, तो क्या हुआ ये डेप्रिसिएशन क्या हुआ, यानी आपने उस असेट्स को ले करके यूज किया, और आपने जब यूज किया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है, तो उसका क्या हो गया डेप्रिसिएशन हो गया। मान लीजिए अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो भी तो डेप्रिसिएट हो जाएगा, मान लीजिए अगर कहीं आपका एसेट आप ले जा रहे थे अचानक वो गिर गया, वो गिरने की वजह से कहीं से अगर जरा सा टूट गया या कहीं से फट गया, जिसको बोलते वियर एंड टियर बोलते दोस्त, अगर कहीं टूट गया कहीं से थोड़ा सा बोलते चिटक गया कुछ भी हो गया, दरार भी आ गई खरोच भी आ गई, तो सामने वाला चीज को क्या करेगा, बोले भाई मैं इतने में नहीं लूंगा, नहीं लूंगा मतलब क्या भाई, ये देखिए यहाँ पे खरोच आ गई है, ये खरोच आने की वजह से इसकी वैल्यू इतनी कम हो गई, तो ठीक है भाई कम हो गई, तो चलिए भाई 2,000 रुपए कम कर देते हैं, तो 2,000 जो रिड्यूस हो गया दोस्त वही तो डेप्रिसिएशन था, आई बात समझ में, चलिए तो इतना चीज आपने नोट डाउन कर लिया, चलिए आपको बताते हैं कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के मेथड हमें देखना है, ठीक है, आज आपको पूरे मेथड बताते हैं, फिर उसके कैलकुलेशन पार्ट भी सिखाएंगे, तो अभी हम लोग एक फिलहाल यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेथड दोस्त, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड्स है, पॉलिसी मेथड्स है, उसके बाद में क्या होता है हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं फिलहाल 2 मेथड द्वारा बहुत ज्यादा अच्छे सीखेंगे, तो आज हम आपको इस वीडियो में पहला मेथड बता रहे हैं कैसा होता है, फिर आगे चल के बताएंगे आपको दूसरा मेथड क्या होता है, तो जो पहले मेथड्स का नाम है दोस्त इसके अंदर डेप्रिसिएशन के, ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो पहला मेथड है दोस्त उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं उसको, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, SLM मेथड बोलते हैं, SLM, जिसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं दोस्त, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको,
ठीक है, इसको और कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं इनके लिए। तो इसको मैं पहला फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड बोल दिया, और क्या होते हैं फिक्स डेप्रिसिएशन मेथड बोल सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है दोस्त, जो फिक्स जब उन्होंने वर्ड वहां पर दिया, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी तुम्हारा डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा एवरी ईयर सेम रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए असेट आपका 10% के हिसाब से रिड्यूस हो रहा है तो वो 10% ही रिड्यूस होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी वैल्यू, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको डाल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके असेट्स की वैल्यू हो गई 20 लाख, ठीक है, तो आपने फर्स्ट ईयर में जब असेट्स खरीदा, समझो 1/4/2020 को आपने असेट खरीदा, अब अगर आपने इसको यूज कर लिया, समझो एक साल आपने यूज किया और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बोला 10% लगेगा, तो जब 10% डेप्रिसिएशन लगेगा तो 20 लाख का 10% कितना हो जाएगा दोस्त, 2 लाख रुपया हो गया। ठीक है, अब 2 लाख रुपए में कितना मिल गया आपको, 18 लाख रुपया अभी आपकी नेक्स्ट ईयर की वैल्यू हो गई। राइट, अब यहाँ 1/4/2021 से, या अगर इसको मैं दोस्त समझो 18 काउंट करता हूं तो ये मेरा 19 आ जाएगा, सबसे इजी जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 19 से चालू होगा तो फिर इसका 10% डेप्रिसिएशन, तो इन्होंने क्या बोला, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है। स्ट्रेट लाइन जो चला रहा वही चला आएगा, यानी जो 2 लाख रुपया पहले हुआ तो वही 2 लाख रुपया फिर से डेप्रिसिएशन हो जाएगा, समझा। तो ये कितना हो गया आपको, फिर से आ गया 16 लाख हो गया। अब ऐसे ही दोस्त 2-2 लाख रुपया हर साल असेट्स की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये देखिए अमाउंट क्या हो गया इसमें, सेम हो गया। तो जहां पे भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम हो जाए, समझ लीजिए तो कौन सा मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। ठीक है, कौन सा मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। मान लीजिए दोस्त कि अगर आपको इसका परसेंटेज ना दिया हो तब क्या होगा, चलिए इतना समझ में आया अच्छे से, चलिए आगे लेके आपको देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको क्या है परसेंटेज ना दिया हो, क्या ना दिया हो, परसेंटेज ना बताओ कि कितना परसेंट असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तब क्या करेंगे, तब तो दोस्त आपके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए क्या फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू ऑफ द असेट्स, क्या है कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू बराबर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ होते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, लाइफ ऑफ असेट, ठीक है, इससे आपको क्या आएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। और अगर आपको एग्जाम में पूछा गया भाई व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दोस्त आपके लिए क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको लेना है तो क्या करना पड़ेगा, दिस डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय द कॉस्ट वैल्यू, तो क्या वर्ड हो गया, डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ असेट्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट्स इंटू 100 कर दो, 100 क्यों लिया दोस्त, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन निकलता है। ये वजह से क्या है, आपको रेट फिक्स मिल जाएगा कि क्या रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, इस वजह से आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स। Why estimated life of the assets? Yes, ये जानना जरूरी है कि estimated life क्यों उन्होंने यूज किया। भाई estimated life इसलिए यूज किया था है कि आपको बता दे भाई ये assets की जो life है, क्योंकि हर एक चीज की जिंदगी होती है दोस्त, हर एक इंसान की जैसे जिंदगी है वैसे एक assets की अपनी life है, तो बता दिए तक भाई ये असेट्स इतने दिन चलेगा। कभी पता है आपको घर बनवाते हो, बिल्डिंग बनती तो वहां बोलते भैया इसकी लाइफ कितने 80 साल है, यानी वो घर 80 साल तक वैसे ही टिका रहेगा, उसके बाद भाई थोड़ा बहुत तो जो रिपेयरिंग करा वो बात की बात है, बट 80 साल के बाद वो अपने आप ही भंगार हो जाएगा, वो मतलब पूरा गिरने का जाता, उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, तो वहां सिर्फ मलवा ही रह सकता है या वो आपको घर खाली करना पड़ेगा। वैसे ही जब आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो बोलते हैं भाई, अगर मान लीजिए अगर आपने ट्रक खरीदा तो उसको बोलते हैं भाई टायर की जो लाइफ है वो, जो टायर की लाइफ है वो किलोमीटर में दी जाती है। टायर की लाइफ किस में होती है, किलोमीटर में। इंजन की लाइफ किस पर, उसकी माइलेज के ऊपर रहती है। और पूरे ट्रक को क्या बोलते हैं कि पूरे ट्रक की जो लाइफ है, जो ट्रॉली व्रॉली सब इंक्रीज इंक्लूड करके हो जाएगी तो उसकी जो लाइफ होगी दोस्त, उसको बोलेंगे पूरा ट्रक 10 साल तक चलेगा। तो जब 10 साल तक चलेगा, जब
बनाने वाले ने बोल दिया है, जिसने मैन्युफैक्चरर है उसने बोला कि इसकी लाइफ कितनी, 10 साल वो हो गया एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। तो ट्रक की लाइफ पूरा 10 साल हो गई, बट अगर बोलेगा भाई टायर की लाइफ, टायर की लाइफ भैया 25 साल तक चलेगी या 5 साल तक चलेगी, ठीक है। 5 साल में टायर का तो बता रहे थे, क्योंकि टायर कितना खींचे नहीं जानता, यही तो वजह है उसको किस में बोलते हैं किलोमीटर में। तो टायर की जो लाइफ होती है कितना किलोमीटर तक चल सकता है वो उतना होगा। इंजन की लाइफ जो है तो इसकी माइलेज के ऊपर हो गई, जो पूरे ट्रक की लाइफ हो गई वो पूरा उसकी वैल्यू के ऊपर होता है, भाई 10 साल 15 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, भंगार हो जाएगी, और जब वो भंगार में बेचेगी, जब भंगार आप मार्केट में बेचोगे तो उसके वैल्यू को, भंगार की वैल्यू को यहाँ पे क्या बोल दिया गया, स्क्रैप वैल्यू बोल दिया गया। तो इसलिए फार्मूला हो गया कि सपोज कीजिए, बस छोटे से एग्जांपल में देखिए, अगर मान लीजिए मेरा 20 लाख का था, रही अगर ये मेरा क्या हो गया 20 लाख के असर था, अगर उसने बोल दिया भाई कि उसको बेचने के बाद में मेरे को कितने का पड़ेगा, ये 2 लाख रुपए मुझे रिकवरी हो जाएगा, और इसकी लाइफ कितनी हो गई दोस्त मेरी, 10 साल हो गई। तो सोचिए 20 लाख माइनस 2 लाख कितना बच गया भाई आपको, 18 लाख, 18 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो गया भाई आपको, 1,80,000। तो यानी इस असेट्स की जो वैल्यू, जो डेप्रिसिएशन होगी कितनी हो गई, 1,80,000 हो जाएगी। आई बात समझ में, देखो कैसा हो गया, अगर मैं यहां लिखा 20 लाख, ठीक है, 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड भाई कितना कर दिया मैंने, 10 कर दिया, तो 18 लाख का वैल्यू बच गया मेरे पास में, रही 18 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 1,80,000, यानी 1,80,000 रुपए क्या हो गया वो डेप्रिसिएशन हो गया। क्लियर हुआ? तो आई थिंक आपको ये मेथड कैसे यूज होता है ये आपको मालूम पड़ गया, और अगला मेथड जानने के लिए दोस्त आप हमारे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, द नोशन ट्री को आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिए, ताकि अगला जो मेथड मैं आपको वीडियो में डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।